मैं अगर वहां जाके 12 लीटर दूध निकाले हाँ। तो तेरी, अगर 10 लिकाड़े तो मेरी। महाराष्ट्र में भी बिक्री का अपना मैट का। अच्छा, तो पूरे लोकल में से कोई भाई अगर खरीदना चाहे तो 1800 रुपया एक मैट। पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशुपालक मंच यूट्यूब चैनल पर अजय विंद्र होली की तरफ से सारे भैया ने राम राम भाई। आज पहुंचे हैं मिगनी खेड़ा जिला हिसार में मई माँ डेयरी फार्म पे जोगिंदर भाई के पास में, और आपने लाइन में बंद रहे पशु दिखाई दे गए होंगे, तो पूछेंगे भाई ये सेल के लिए हैं या सेल हो चुके हैं, और भाई सभी के सभी पशु ताज़ा ब्याए हैं उसका सबूत जसबीर भाई दिखाना। ये बच्चे लाइन में बंधे हुए हैं, कतारबद्ध हैं बिल्कुल, जोनसी भैंस का बच्चा हुआ उसके सामने बंधा हुआ है। किस तरह के रेट हैं, कितने दूध के पशु हैं, सारी की सारी जानकारी लेते हैं जोगिंदर भाई से। बार बार स्वागत है भाई का पशुपालक मंच यूट्यूब चैनल पर। जोगिंदर भाई राम राम। राम राम भाई, सब देखने वाले दर्शकों को भी राम राम। और ठीक हो भाई साहब? बढ़िया भाई। लगभग 1-1.5 साल पहले वीडियो बनाई थी ना अपनी। हाँ हाँ। और भाई उस टाइम पे मेरे ख्याल बनन लग रही थी डेयरी आपकी। हाँ, काम चल रहा था। तो भाई मई माँ डेयरी फार्म भी कै साल हो गए यहाँ पे बनाए हुए आपने? यहाँ मानो पहले तो रेंट पे ले रखी थी गाँव में। अच्छा, 2-3 साल से। ठीक है, और अभी 1.5 साल से ऊपर हो गया। तो आपने यो काम करते कितने दिन हो गए? मेरे को 3.5 साल हो गए भाई। 3.5 साल महाराष्ट्र का काम स्टार्ट करे हुए। अच्छा, महाराष्ट्र का काम, तकरीबन महाराष्ट्र में जहाँ अपने पशु। हाँ। तो आज की वीडियो में क्या पशु हैं डेयरी पर और कितने दिखाने हैं? आज अभी 11 पशु महाराष्ट्र कोल्हापुर में ग्राहक आ रहे हैं खरीदने के लिए, उनको ऑर्डर कम्प्लीट हुआ है। हाँ जी। और पूना का अभी ऑर्डर आज से चालू है। आज तक एक तो गड्डी भर कने भेजन लाग रहे हो। हाँ। एक गड्डी खरीदनी है। एक खरीदनी है, और अपनी महिमा डेयरी फार्म के नाम से कोल्हापुर में गारगोटी में भी डेयरी फार्म है। अच्छा जी। और चैनल भी इस नाम से यूट्यूब पर। हाँ, महिमा डेयरी फार्म का नाम से चैनल अपना, उस पर अपडेट देते रहो। और आज एक गड्डी उतरी भी है उड़े। आज उतरी भी है। तो कहने का मतलब यू है भाई, गड्डी भर दी, गड्डी खाली होगी, गड्डी फिर भरनी है, यो तालमेल चल रहा है अपना। और आज लगभग 7 भैंस आज उतरते ही बिकी अपनी। तो अगली गाड़ी का भी अभी पुना वाला ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद अगली गाड़ी का ऑर्डर हो जाए, लगातार 2 गाड़ी फिर भेजनी है। चलो भाई, बहुत बढ़िया है। तो आज की वीडियो में क्या पशु सेल करे हैं आपने? आज 11 पशु जी। 11 पशु है। तो भाई महिमा डेयरी फार्म से रेटा का अंदाजा ले लेंगे भाई, कितने रुपये की सेल करे हैं। और इससे मकसद था भाई ने वीडियो बनवाऊ मैं, अग भाई कोई भी भाई और पूना का भाई आना चाहो तो उन्हें पता चल जाए इस रेट में इतने दूध का पसवाड़ा मिल जाएगा। पूना का हो, महाराष्ट्र का हो, कर्नाटक का हो, जी ऑल इंडिया में कितने का होगा भाई? अगल से हाँ। जोगिंदर भाई पहले नंबर पे एक बार इसकी डिटेल बताओ। ये सेकंड टाइमर जोटी है जी, अभी मौके का 14 लीटर दूध तैयार है। कई दिन की ब्याई के तड़ा है यो अभी 10 दिन की ब्याई है। 10 दिन की ब्याई होगी भाई, 14 लीटर दूध इसमें तैयार है। तो भाई सब कितना दूध काट देगी 10 दिन की ब्याई है? तो मतलब चाली होगी 15-16 लीटर दूध खुला निकाल दे, 20 बास तो आप कहा कौन भाई साहब। अच्छा, नॉर्मल आगे जाके जमींदार का 16 लीटर दूध नॉर्मल चराई पे निकाल देगी। सही बात है, बहुत हो जाए भाई, आड़े तो लगभग 1000 किलोमीटर 1600 किलोमीटर दूर चल के जाएगी, और उड़े जाके 16 काट दे तो बहुत अच्छी बात है। के रुपये मोल है इसका भाई साहब? या 1,30,000 की बेची है जी। या 1,30,000 में सेल करिए भाई, दूसरे मैथ की है। क्या आप अपने पशुपालन की नींव मजबूत करना चाहते हैं या अपने पशुओं से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं? आपके डेयरी फार्म के बच्चे जितना जल्दी बड़े होकर तैयार होंगे आपका पशुपालन भी उतना ही मजबूत होगा। आज से ही छोटे बच्चों को राइट काफ पिलाएं। राइट काफ बच्चों को बीमारियों से बचाता है और उनका वजन और हाइट को बढ़ाता है। राइट काफ पिलाने का तरीका, 6 महीने के बच्चे को 20 ml, 1 साल के बच्चे को 25 ml और 2 साल के बच्चे को 30 ml दे सकते हैं। पशुपालन की नींव राइट काफ। तो भाई जिन भैया ने खरीदी है वो भी यहीं पर मौजूद हैं। वीडियो के अंत में लास्ट में जब भाई सारी डिटेल दे देंगे तो एक बार जरूर पूछेंगे भाई कौन सी भैंस कितने की आपको सेल करी है। क्या डिटेल है भाई साहब? थर्ड टाइमर है जी। अच्छा, अभी मौके का 14 लीटर दूध तैयार है जी। 14 लीटर दूध मौके का तैयार है। कई दिन की ब्याई हो लिया? या 7 दिन की ब्याई है जी। 7 दिन की ब्याई है। काफ क्या नीचे है? नीचे फीमेल काफ है जी। ब्यांत तो बड़ा लग गया मैंने भाई साहब, थोड़ा ब्यांत बड़ा लग गया भाई साहब। तीसरा ब्यांत की है, तीसरा ब्यांत की जिस तरह जिस जमींदार का लिया ही देनी भाई, अगला तो कसम खाओ था पापा उस चीज ने के बता सका। अच्छा जी, तो कै रुपये की दी है? या 1,10,000 रुपये देगी जी। 1,10,000 रुपये की सेल कर दी भैया। 2 नंबर पर जो भैंस दिखाई है, 3 नंबर भाई साहब इसकी क्या कुछ डिटेल है? या इसका मुक्का का 12 लीटर दूध तैयार है जी। कै दिन की ब्याई होगी जोगिंदर भाई? अभी 6 दिन की ब्याई है जी। 6 दिन की ब्याई है, मौके का 12 लीटर दूध इसमें तैयार है। क्या किलो काट देगी?
15 किलो की मान के चलो कम तक कम जी, कम से कम 15। हाँ। ब्यांत को सा हीगा? ब्यांत दूसरा जी, दूसरा ब्यांत से भाई, चाहे तीसरा मान लियो भाई। हाँ। नहीं ना ना, या दूसरे की जी, रियल या कन्फर्म है? हाँ जी, या कन्फर्म है। कै रुपये की दी है या? या 1,15,000 की देगी जी। 1,15,000 रुपये की भाई ने या सेल कर दी है। और भाई ये 11 की 11 लाइन में बन रही है, सारी की सारी पुना जाएंगी ये? हाँ जी, सारी पुना जाएंगी ये। पुना ना कोल्हापुर, पुना के ग्राहक आ रहे हैं उनका ऑर्डर। अच्छा, कोल्हापुर जाएगी, महाराष्ट्र का शहर है भाई। हाँ जी, महाराष्ट्र का शहर है कोल्हापुर जी, तो अपना हरियाणा के बहुत घने बालक जा रहे हैं गर्मियों में वजन बढ़ाने खातर। हाँ, हाँ। वो शहर है भाई, मौसम बहुत बढ़िया रहा है, बारिश बहुत घनी हो उड़ा है। अच्छा, नरसिम्हा फिल्म जो है उड़ा शूटिंग हो रही है। अगल सब भाई पूरी डिटेल दे दिया जोगिंदर। या 4 नंबर वाली की बताओ क्या? या चौथा ब्यांत की है जी। अच्छा, अरे मौका का इसका 13 लीटर दूध तैयार है जी। मौके का 13 लीटर दूध तैयार है भाई, चौथे ब्यांत की थोड़ी पुछड़ कट रही है। 10-11 दिन की ब्याई है जी। 10-11 दिन की ब्याई। काफ क्या नीचे है इसका? मेल काफ है जी। मेल काफ से तो कै रुपये की दी है या? या दे ही है जी इन भैया ने 1,05,000 की दी। 1,05,000 की यह सेल करी है। या आगे जी 5 नंबर पे, वाह जी वाह, साफ सुथरी है जोटी भाई। नीचे की अगर ऑर्डर की बात करें हैं तो एक बार डिटेल और पूछ लें अपना जोगिंदर भाई से, क्या कुछ डिटेल है भाई साहब इसकी? तीसरा ब्यांत की है जी। तीसरे ब्यांत की है या? और कै दिन की ब्याई होगी या? या होगी भाई साहब 10 दिन की ब्याई। 10 दिन की ब्याई। कितना दूध सही बिस्तर इसका? 12 किलो पक्का दूध निकाल के ले आए थे। 3 टाइम देखा था इसका, 2 टाइम भी कौन, 3 टाइम देखे, 3 टाइम दूध देखा था इसका। 12 किलो है जी। हाँ जी, तो कै रुपये ही सेल कर दिया? या करिए जी 1,11,000 रुपये। 1,11,000 की। तो अब तक हमने 5 पशु दिखा दिए भाई, आप भी समझ गए होंगे इस हिसाब के रेट के इतने दूध के पशु आपने यहाँ पर मिलेंगे। किसे भाई नगर गाड़ी भरनी हो तो वो अंदाजा दे रहा भाई, और कम से कम रेट की फर्स्ट टाइमर है जी। लो जी, अभी मौका का 10 लीटर दूध तैयार है जी, की सुखाली होने का। कम तक कम रेट से इसका भाई। हाँ, दिखाइयो जी। या देखिए भाई, फर्स्ट टाइमर है। हाँ जी, क्या दिन की ब्याई है या? या 4 दिन की ब्याई है जी। धार कै बजे का डेरो तड़के? 5वां दिन आज है। धार कै बजे का डेरो? धार तो भाई साहब सुबह ही आई है, पास करके और सुबह चढ़ा के लेके आए इसने। ईव 5 बजे के शाम के। हाँ, 5 बजे आप वीडियो बनाने लग रहे हैं भाई, भाई ने कैसे 10 किलो दूध तैयार है। हाँ जी, फर्स्ट टाइमर जोटी है। हाँ जी, कै रुपये की दी है या? या दे ये जी 95,000 रुपये। 95,000 रुपये की सेल करी है भैया, सब तक कम रेट की जाए अपना। यही है जी, फर्स्ट टाइम। और यह भी लास्ट में खरीदी है। कई भाई बोले महाराष्ट्र के, बोले हरियाणा में पहली भैंस सस्ती मिलेगी बाद में महंगी। मामला अपना उल्टा सिस्टम है, पहले महंगी मिलेगी, लास्ट की सस्ती मिलेगी। लास्ट की सस्ती लेंगे ना, तो कई बनी हो जा रहा है ले भाई, लेने लगे एक और तो इसने महंगी दे दो, पर लास्ट भी अपना खरीदे पाछा सस्ती दी है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है जोगिंदर भाई। हम तो एक बात कह रहे हैं, जो साफ सुथरा काम करेगा उसका लंबा चल लगा काम। लास्ट खरीद यही है पूरी गाड़ी में, तो 95,000 रुपया। कल शाम ने ले थी, शाम ने दूध देखा, सवेरे देखा, फिर चला के ले आए। भाई ने अंदाजा बता दिया है लास्ट किया, फर्स्ट टाइमर जो है 95,000 में। बाकी ये चढ़े तो सारी की सारी अपना कोल्हापुर में जाऊंगी। लब गाड़ी भी आ गई है, या आ गई होगी गाड़ी? क्या फुटी है भाई साहब? 24 फुटी है जी। 24 फुटी गाड़ी है और इसमें सारे पशु लोड होकर जाएंगे। ईब एक बार जुन से भाई अपना कोल्हापुर से आए हैं उनसे और पूछ लेते हैं भाई, किसा रहन खान का भाई का प्रोग्राम, कैसी व्यवस्था है, और जो रेट भाई ने बताए हैं उन रेटा में पशु मिले हैं या नहीं? नमस्कार जी। नमस्कार। और ठीक हो सर? ठीक है। क्या नाम है आपका? संदीप तुकाराम पाटिल। अच्छा, मुकाम पोस्ट गोरंबे, तालुका कागल, जिला कोल्हापुर। वाह जी वाह, कोल्हापुर जिला अपना। हाँ। वहाँ पे कितने पशु हैं आपके पास? आपके पास अगर में 10 है। 10 है। आज कितना खरीदा है यहाँ से? अभी 10 खरीदा है। 10 खरीदा है। जो जोगिंदर भाई ने वीडियो में रेट बताया है पशु का, प्राइस बताया है, इतने पैसे में आपको सेल किया इन्होंने? हाँ, इतने पैसे सेल किया। सेम बराबर है रेट? बराबर है, कोई फर्क तो नहीं है? कोई नहीं। अच्छा, जो दूध बताया वो आपने देखा है? 2-3 टाइम? 3 टाइम दूध देखा है। 3 टाइम दूध आपने देख के तब खरीदा है पशु? तब खरीदा। चलो जी, संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट। चलो जी, बहुत बढ़िया है। देखिए भाई, पहली बार आए हो आप यहाँ पे? हाँ, पहली बार आए। वीडियो देख के आए होगे भाई की? हाँ। और भाई पहली बार पशु खरीदे हैं, अगर अच्छे निकलेंगे तो बार बार आना है अपना, गलत है? और ये भाई देखिए अपना, नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक है सर? ठीक है, ठीक है। दर्शकों को और कर दो एक बार नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सोमाजी मारुति फाले। वाह जी वाह, तो आप कहाँ से आए हैं? मुक्कम, आप ट्रेन ने आया ये तरह से? नहीं, ट्रेन से तो आए हो। हाँ। कौन सी जगह से आए हो? महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में हम पुना से। पुना से आए हैं? तालुका मुळशी, जिला पुणे। अच्छा, मुक्कम नांदगांव। वाह जी वाह। पहली बार आए आप यहाँ? 2 बार आया। अच्छा, दूसरी बार आए हैं? और दूसरी बार। पहले कितना पशु खरीदे हैं ऐसे आपने? पहला
10 मशीन खरीद के आया। कैसा निकला वो? अच्छा निकला यहाँ, बहुत अच्छा निकला, बहुत अच्छा निकला जी। अब खरीद करने के लिए आए? अब खरीद करने का आया। चलो जी, बहुत बढ़िया। और जी भाई जी, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, सब बढ़िया है। नमस्कार कर दो। नमस्कार। तो आप पहली बार आए हैं यहाँ पे? मैं तो आता जाता रहता हूँ, लेकिन ये भैंस लेने के लिए पहली बार आया हूँ। अच्छा अच्छा, जो रेट वीडियो में बताए हैं ये इसी रेट में आपको पशु मिलेंगे? हाँ, इसी रेट में मिले। चलो जी, बहुत बढ़िया। दूध भी देखा हुआ? हाँ, दूध भी दो तीन टाइम देखा है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके क्षेत्र से कोई भाई आता है, महाराष्ट्र से कोई आता है कोल्हापुर से, तो आप अपनी ही लैंग्वेज में, कोल्हापुर की लैंग्वेज में यहाँ का रहन सहन खान पीन में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, तो वो सारी चीजें एक बार इनको बताइए आप मैसेज में। कोई नहीं, नमस्कार। महाराष्ट्रातली जी लोक भैंस घेण्यासाठी हरियाणाला येणार आहेत, त्यांचं विचार चालू आहे। त्यांनी जोगिंदर भाईचं यूट्यूबला चॅनलवरती नंबर वगैरे आहेत, ते महिमा डेअरी फॉर्म म्हणून त्यांचं आहे, मिंगनी खेडा हरियाणा इथं। आम्ही इसारमध्ये, मी तर यूट्यूब बघून चॅनल बघून ह्याला चाललो होतो, कुठं जिंदला जाता जाता आम्ही ट्रेनमध्येच बघितलं बसून, तर ह्यांचं चॅनल बघितलं मी। चॅनल बघितल्यानंतर ह्यांचं फॉर्म जे आहे, म्हणजे ह्यांनी म्हशीचा व्यवसाय करतात की इकडून कोल्हापूरला यांचं फार्म एक आहे, तिथं आणून गारगोटीजवळ विक्री करतात। मग ठीक आहे म्हणलं, आपल्या गावाजवळ परत माणूस आहे आणि इकडंच जाऊया म्हणलं। आणि इकडं आल्यानंतर आम्ही पहिल्यांदाच आलो, मग पहिल्यांदा येताना माणूस कोण पण घाबरत घाबरतच येतो आहे। मग एक दिवस राहिलो, पहिल्या दिवशी एक म्हस खरेदी केली, एक आम्ही दुसऱ्या दिवशी जरा फिरलो, म्हणजे जास्त इकडं तिकडं, पण आम्हाला जेवढं आमची फिरायची ताकद आहे तेवढं त्यांनी फिरून आम्हाला दाखवलं सगळं। आणि म्हशी घेताना तर आम्ही जवळपास दोन तीन वेळा एका म्हशीला बघायला जायचो, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तरीसुद्धा तिने कधीच म्हणणार नाहीत की बाबा आता ती काय बघायची आहे, दुसरी बघूया किंवा काय। तिने आम्हाला नेहतच होते सारखे, चांगला माणूस आहे, काय अडचण नाही। आणि जेवणाची किंवा राहण्याची सोय म्हणला सा, तर एकदा जर असं कॅमेरा तिकडे फिरवा, इथं त्यांचं रूम आहे, रूममध्ये सगळी सी सी टी व्ही कॅमेरा आहेत, तुमचं काय सामान असेल, बॅगा असतील, मोबाईल असतील, कसंही पडू द्या, हां, काही टेन्शन घ्यायची गरज नाही। ए सी वगैरे लावलेला आहे निवांत। परत घरी म्हणला असा तर जेवणाची अतिउत्तम सोय, एकदम चांगली सोय आहे। आम्ही आता 8 दिवस झाले मी इथं आहे त्यांच्या घरात जेवायला, आम्हाला एकदा सुद्धा वाटलं नाही की बाबा हॉटेलमध्ये जाऊन जेवूया, म्हणजे एवढं चांगलं जेवण यांच्या घरात आहे, उगाच नावं ठेवायची नाहीत माणसांनी। ठीक आहे, बिलकुल भाई, भाई ना बहुत बढ़िया। और भाई को एक सर्विस भी दी है मैं, अगर कोई भैंस 10 लीटर से नीचे रहे तो कोल्हापुर में रिप्लेसमेंट, कोल्हापुर अपनी डेयरी में इसका गोटा है, उधर रिप्लेसमेंट करो, वहीं से बदल लेना भाई। हाँ, वाजिब, सबसे बढ़िया स्कीम इनके लिए है, और भाई उनके लिए भी। और ये भी लिए है, अगर इनको कोई भैंस में डाउट लगे, हाँ जी भी भाई साहब ये भैंस हमें कम लगती है। अच्छा जी, तो अभी इनको एक भैंस में डाउट लग रहा था, मैं अगर वहां जाके 12 लीटर दूध निकाले, हाँ, तो तेरी, अगर 10 निकाले तो मेरी, तो अपनी डेयरी छोड़ाइए। हाँ, अपने से 20 किलोमीटर है ये। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो भाई ये मैट भी घने डाल रहे हो भाई साहब, इनका के कुछ मैट? भाई साहब उरे बिक्री का काम है, महाराष्ट्र में भी बिक्री का अपना मैट का। अच्छा, तो उरे लोकल में से कोई भाई अगर खरीदना चाहे तो 1800 रुपया का एक मैट है भाई साहब। ये मैट सा भाई भैंसा का गद्दा जो है 1800 रुपया का एक मैट से। हाँ, इनमें भी क्यों गारंटी होगा करके? ना गारंटी कौन भाई साहब, माना आपने पीछे तक गारंटी कौन मिला, फिर भी मैंने 3-3.5 साल हो गए भीमा सुपर ने यूज कर दान, तो उसका रिजल्ट है बढ़िया, क्योंकि महाराष्ट्र लेके जावा रस्से लग गए नहीं है, रस्सा में कट जाए लोकल मैट हो दो। अच्छा जी, तो टॉप क्वालिटी का मैट भेजना पड़ा, बढ़िया मैट से अपना। हाँ, बढ़िया। 1800 रुपये रेट से भाई इस मैट का, कोई भाई खरीदना चाहता हो तो भाई दो रही हो अपना महिमा डेयरी फार्म पे, ये भी उपलब्ध है। यहाँ पर रहने सहने की जो व्यवस्था है भाई ना, वह बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, एसी लोअर रखा है। और यह भाई कैंची है भाई, या 55 इंच है भाई साहब, या कोल्हापुर में तो अपना बिक्री का काम चले नहीं, वो सीधा लाइव ही चल रहा है, सीधा लाइव। एक भाई दो छोटा भाई दो वहाँ पे रहो। अच्छा, पूरे बैठे जिस तरह 24 घंटे पूरे पहरादारी है इसे, बहुत बढ़िया भाई। और आपने दिखाऊंगा भी लाइव चला के इसको, वाईफाई ला रखे है भाई, सीसीटीवी ला रखे है भाई ने, मतलब कोई भी भाई आओ हाड़ अपना आराम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो, ये ग्राहक देखने आ रहे हैं भैंस जिस तरह। अच्छा, साउंड वाले कैमरे लगा रखे हैं। ये देखो भाई ने, ये अपना महाराष्ट्र में डेयरी कर रखी है भाई, अरे याडे तो ये देखे जा अपना सारी आना। चलो जी, बहुत बढ़िया है। तो भाई फोन नंबर क्या है अपना? 9992006411। तो यो नंबर है भाई का हिंदी में रिपीट कर दे, 9992006411। और दूसरा नंबर हो रहा है 9992023।
ये नंबर है जोगिंदर भाई का, महिमा डेयरी फार्म है, इस नंबर पर कॉल कर लियो। किसी भी भाई ने गाड़ी भरनी हो, लोकल में किसी ने पशु खरीदना हो, और बाकी भाई कमेंट में अपनी राय दे दियो। राम राम सारे। राम राम।